तो आज मैं आपको एक ऐसी लाइन बताने वाली हूँ ना, ये एक लाइन, एक ही लाइन में बताऊँगी, और ये एक लाइन अगर आप अपने पार्टनर को बताओगे ना, तो वो आपके बिना मर जाएगा, मतलब आपके बिना वो रह ही नहीं पाएगा। तो ये क्या बात है और क्या पॉइंट है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, और ये पॉइंट आपको कब यूज़ करना है, कब इस्तेमाल करना है, इसको भी समझ लीजिए। मान लो जब पार्टनर आपको छोड़ के जाना चाहता है, आपके ऊपर से ज़्यादा नखरा दिखा रहा है, भाव खा रहा है, ठीक है, ऐसा कर रहा है कि आपकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है उसके लाइफ में, अगर वो इस तरह से मतलब एक छिछोड़ा पंती जिसको कहते हैं ना, इस टाइप से ख़राब बर्ताव कर रहा है ना, तब आपको ये वाला लाइन यूज़ करना है। और ये क्या है, कोई झगड़ा झमेला वाला लाइन नहीं है, आपको बस इतना बोलना है कि हाँ ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो ना, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती हूँ, तो ठीक है ना, मुझे छोड़ दो, या फिर मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, ठीक है। लड़का लड़की दोनों के लिए समान उपयोगी है, तो अब ये कहो कि हाँ मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ तुम्हें, फिर मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ तुम्हें, तो मुझे छोड़ दो ना और किसी और के साथ जाओ। जैसे आप ये बात बोलोगे ना, तो आप 100% लिख के ले लो, वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जा पाएगा, और जितना भी उसके हेकड़े हैं ना, वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा। उनको ये लगेगा कि अरे ये सामने वाला तो मुझे सच में छोड़ने के लिए तैयार है। और जब भी आप किसी को छोड़ने के लिए तैयार होगे ना, तो वो आपको नहीं छोड़ पाएगा, यही ह्यूमन साइकोलॉजी है।